स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी.com पर। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे यूपी सिंचाई विभाग की भर्ती के लिए। काफी दिनों से अपडेट आ रही थी कि यूपी सिंचाई विभाग में जो है 14,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी हो सकती है। तो ऐसे में इस वीडियो पर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा व संपूर्ण जानकारी दूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी सिंचाई विभाग की जो भर्ती आने वाली है उसमें कैबिनेट का क्या है, ये जानकारी आधिकारिक है या नहीं, वह इसमें कौन कौन से पद निकलेंगे। ऐसे में सभी इंपॉर्टेंट अपडेट जितनी भी बनती है वो इस वीडियो पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। यूपी ट्रिपल एससी सिंचाई विभाग की भर्ती जल्दी होने वाली है। अब ऐसे में यहां पर जो है UPSSSC.gov.in द्वारा एक ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, जहां पर नोटिस शायद कुछ ही दिनों में जारी किया जा सकता है, जिसमें यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर, नलकूप चालक, लिपिक, सिंचपाल, जिलेदार व मुंशी व बहुत सारे पर्यवेक्षक भी होंगे, उनके लिए भर्तियों के लिए प्रस्ताव जो है कैबिनेट के आधार पर शायद बहुत दिन पहले ही ऑफिशियल न्यूज पर दिखाया गया था। बहुत सारे अखबारों में मैंने कुछ कटिंग पेस्ट की है जिसके माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम वास्तव में ये भर्ती जो है आने वाली है। तो ऐसे में ये एक अपडेट है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर साफ सीधे तौर पर एक अखबार में लिखा गया था, बताया गया था कि समूह गा के जिन पदों पर भर्तियां होने वाली है उसमें है लिपिक के 2375 पद, सिंचपाल के 4587 पद, सिंच पर्यवेक्षक के 849 पद, जिलेदार के 430 पद, कार मुंशी पर्यवेक्षक 49 पद, मुंशी के 315 पद, हेड मुंशी के 38 पद, नलकूप चालक के 5724, यानी कुल मिलाकर के 14367 पदों पर सिंचाई विभाग यानी समूह ग के अंतर्गत ये भर्तियां आयोजित होने वाली हैं, जिसमें योग्यता के अनुसार बात करें तो इसमें किसी में इंटरमीडिएट मांगा गया है वह कंप्यूटर से संबंधित जो लिपिक है, असिस्टेंट या ये सभी चीजें जो है उसमें कंप्यूटर टाइपिंग और डाटा एंट्री का ज्ञान होना जरूरी है। तो ऐसे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता रहा हूँ जिससे माध्यम से आपको ये पता हो सके कि हाँ वास्तव में इन पदों पर इतनी इतनी भर्तियां आने वाली हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है आधिकारिक ऑफिशियल न्यूज वास्तव में सही है या नहीं सही है। तो एक और भी कटिंग हमारे हाथ लगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग में होगी बड़े पैमाने पर भर्तियां, इसके लिए प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। ये जो ऑफिशियल न्यूज थी ये मैंने पेपर से मंगाया, इसमें किसी पर कोई एडिटिंग नहीं है। तो शायद ऐसा कुछ राजस्व अधिकारी द्वारा ये पदों की स्वीकृति बड़े पैमाने पर रिक्तियों के लिए जल्द ही नियुक्तियां होनी है। ऐसे में विभिन्न खंडों से रिक्त पदों की सूचनाएं जो है एकत्र की जा रही है। शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह ख और ग के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ऐसे में कुछ ही दिनों के अंतराल के अंदर ही सिंचाई विभाग की जो है भर्ती वो आयोजित की जा सकती है। ऐसे में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के कितना क्या उम्र है, एज क्राइटेरिया है, उस पर बात करेंगे तो सिंचाई विभाग की जो आयु सीमा होगी 18 से 40 वर्ष रखी गई है। वो जितने भी पद है उनके लिए कुछ भिन्न भिन्न आयु सीमा है। आवेदन करने वाले भारतीय होने चाहिए। सिंचाई विभाग की नौकरी जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी भी जगह पर मिल सकती है। ऐसे में जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सभी जो इसमें कई सारे पोस्ट हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हो गए, मुंशी हो गए, सिंचाई विभाग है, तो इसमें रिटेन एग्जाम होगा। वो जिसमें जैसे असिस्टेंट क्लर्क हो गए, मुंशी हो गए, तो इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट व डाटा एंट्री हिंदी इंग्लिश में ली जा सकती है। तो ये जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस के मुख्य पॉइंट हो गए। अब इसमें बात करेंगे जो ये है ऑनलाइन आवेदन इसके होंगे। अगर आप जनरल से हैं तो 185 रुपये, आरक्षित हैं तो 95 रुपये, शारीरिक रूप से विकलांग तो 25 रुपये इसमें लग सकती है। इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो UPSSC.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर इसके लिए आवेदन जारी किया जा सकता है। ऐसे में अभी बताया जा रहा है कि सितंबर तक इसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज सितंबर जो है ये सितंबर में इसके लिए भर्ती शायद आ सकती हैं। तो अभी कोई पक्का अपडेट नहीं है। इसके बाद कुछ है कि ये हमारे पास एक पेपर कटिंग और यहाँ पर भी वही चीजें बताई गई थी कि 46 पद उप राजस्व अधिकारी के भी निकाले जा सकते हैं। सिंचाई विभाग में 14,000 अधिक पदों पर नियुक्त होने वाली है। तो ऐसे में आपके मन में इस प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये भर्ती जो है ये शायद ही कुछ ही दिन के अंतराल आने वाली है। और इस भर्ती से संबंधित अगर आप कोई भी अपडेट चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, वो पेपर चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूं जहां पर आप उसे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी पढ़ सकते हो। इससे संबंधित जो भर्ती के पेपर होंगे उसका भी लिंक मैं नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सरकारीhelp.com वेबसाइट को आप अच्छे से जानते होंगे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब ना चैनल सब्सक्राइब करो, सरकारीhelp.com के टेलीग्राम ग्रुप को भी जुड़ करके इंपॉर्टेंट अपडेट पा सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को किसी और को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।